Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 7th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. And we request you to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about street children and their plight during lockdown. And this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the subtopic welfare schemes for vulnerable sections point of view. So this article starts discussing the image of an 11-year-old child whose image had gone viral on a social media platform during the lockdown period. This child was seen asking or requesting for food during lockdown in the streets. So this article discusses the plight of street children in India whose condition has become worse during lockdown. वैसे तो इनकी हालत vulnerable थी ही, plightful थी ही, लेकिन ये street children इनकी हालत और भी बदतर हो गई है because of lockdown. And India has about 20 lakhs such street children who do not have any permanent place to live and they do not have any guardian to take care of. तो ऐसे बच्चों की हालत और भी बुरी हो गई है लॉकडाउन के पीरियड में. और फिर देखते हैं इससे रिलेटेड करंट डेवलपमेंट हुआ क्या है. ये बच्चे जिनको स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं दे जनरली सर्वाइव बाय सेलिंग पेटी थिंग्स. इस तरह से सड़कों के आसपास आपको पेटी चीज़ें टॉयज वगैरह बेचते हुए दिखाई देंगे ये. और दे जनरली वर्क इन हजार्डस इंडस्ट्रीज फॉर देयर सर्वाइवल. लेकिन इस लॉकडाउन के बाद इनको ये सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इनके लिए डिफिकल्ट हो गई हैं एंड इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव सिंस देयर इज नो सोर्स ऑफ सर्वाइवल एंड दिस हैज़ मेड देयर पोजीशन मोर वल्नरेबल एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम सोसाइटी. और ऐसे टाइम में इनको रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी है. और इस हालात को समझते हुए NCPCR National Commission for Protection of Child Rights has started the initiative of creating a database of all such street children who are wandering and stranded because of lockdown. और इन सारे बच्चों का एक डेटाबेस बनाया जाएगा और उनको जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं फॉर वेलफेयर ऑफ सच स्ट्रीट चिल्ड्रेन उसके अंदर उनको लाया जाएगा ताकि उनको सिक्योर किया जा सके, उनका वेलफेयर इंश्योर किया जा सके. सो जरा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस कमीशन के बारे में समझते हैं. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जिसने ये डेटाबेस बनाने का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये डाउट भी पूछ रहे थे कि सर ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है. सो स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जिनको किसी एक लॉ के हिसाब से, लॉ को स्टैट्यूट भी कहते हैं, तो किसी एक स्टैट्यूट या लॉ के हिसाब से बनाया गया हो वैसी बॉडीज़ को कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज. और ये जो बॉडी है NCPCR इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर अ लॉ जिसका नाम है कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 एंड दिस कमीशन वर्क्स अंडर ओवरऑल गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इस कमीशन का काम क्या है ब्रीफली वो भी समझते हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल लॉज पॉलिसीज प्रोविजन्स इनेक्टेड फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन. तो बच्चों के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए, ये ऑब्जेक्टिव है इस एजेंसी का. और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू एंश्योर दैट ऑल लॉज पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स आर इन कॉन्सोनेंस विद चाइल्ड राइट्स पर्सपेक्टिव इंस्ट्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड. इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि जो भी कानून बनाए जाएँ किसी भी और फील्ड में, वो सारे लॉ पॉलिसीज प्रोग्राम्स पे
ध्यान रखने का काम है इस एजेंसी का जिसका नाम है NCPCR की, ये सारे जो कानून वो बच्चों के अधिकार को हैम्पर ना करें, बच्चों के अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं या वो अधिकार जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड में दिए गए हैं। क्योंकि अलग फील्ड में हो सकता है कि हम कानून बनाए, हो सकता है कि इंडस्ट्रियल फील्ड में कोई कानून बना करके लाए सरकार और उसमें कुछ किस तरह का कानून हो जिसमें बच्चों के राइट्स हैम्पर हो रहे हों, तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना, अलग से फ्रॉम चिल्ड्रेन पॉइंट ऑफ व्यू देखना कि चिल्ड्रेन के राइट इंटरेस्ट तो हैम्पर नहीं हो रहे हैं। हर एक पॉलिसी को उस एंगल से इवैल्यूएट करने का काम है इस एजेंसी का। और ये जो एजेंसी है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसके एक चेयरपर्सन होते हैं एंड द चेयरपर्सन इज एन एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रेन वेलफेयर। उसके अलावा इस कमीशन के अंदर 6 मेंबर होते हैं एंड आउट ऑफ दिस 6 मेंबर एटलीस्ट 2 मस्ट बी वुमन। अब जरा देखते हैं कि स्कीम जो चलाई जा रही है फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रेन, जिसके अंतर्गत डेटाबेस बना करके उस स्कीम के अंतर्गत जो भी स्ट्रीट चिल्ड्रेन हैं हमारे देश में उनको जिस स्कीम के अंदर लाने की बात चल रही है उस स्कीम को जरा देखते हैं। वो स्कीम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रेन। ये स्कीम 2010 से ही चल रहा है हमारे देश में। इट स्टार्टेड एज एन इनिशिएटिव टू हेल्प चिल्ड्रेन लिविंग ऑन स्ट्रीट टू फुलफिल देयर राइट्स। और इस प्रोग्राम का पर्पस है टू प्रोवाइड शेल्टर, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिक्रिएशन फैसिलिटीज टू स्ट्रीट चिल्ड्रेन एंड सीक टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। The program aims at building society's awareness of the rights of the child enshrined in United Nations Convention on Rights of Children and Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000. तो ये तीन ऑब्जेक्टिव है, लोगों का अवेयरनेस डेवलप करना towards children right, उसके अलावा बच्चों को exploitation से बचाना और street children को proper shelter, nutrition और health care provide कराना। और इस स्कीम के हिसाब से, इस प्रोग्राम के हिसाब से, इसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रेन, इसके हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक शेल्टर होम फॉर चिल्ड्रेन बनाया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक शेल्टर होम फॉर चिल्ड्रेन तो है ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इस शेल्टर होम फॉर चिल्ड्रेन का पर्पस ये है कि जितने भी शेल्टरलेस चिल्ड्रेन हैं, जितने भी डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उनको इस शेल्टर होम फॉर चिल्ड्रेन में एकोमोडेट किया जाए ताकि उनके शेल्टर, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन का ध्यान रखा जा सके। So, आपको एक बात ध्यान रखनी है अपार्ट फ्रॉम एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अगर कोई भी अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने आसपास में इस तरह का कोई डेस्टिट्यूट शेल्टरलेस चाइल्ड दिखता है तो आप अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें कि उस बच्चे को शेल्टर होम में शिफ्ट कराया जाए, या तो फिर आप खुद उस बच्चे को ले करके अपने डिस्ट्रिक्ट के शेल्टर होम में पहुँचा दें। आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का शेल्टर होम का एड्रेस मिल जाएगा। आपको अगर कोई इस तरह का डिस्टिट्यूट बच्चा दिखता है तो आप उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के शेल्टर होम में पहुंचा दें। बच्चे का डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड क्या है इस लॉ के हिसाब से, इस प्रोग्राम के हिसाब से, वो भी ज़रा देख लें। तो हर एक इंडिविजुअल जिसकी एज 18 ईयर से कम है वो एक चाइल्ड है। तो जो भी इंसान 18 ईयर से कम का है और डेस्टिट्यूट है उसको आप शेल्टर होम में पहुंचा सकते हैं फॉर प्रॉपर केयर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट वंदे भारत मिशन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली द सब टॉपिक डायस्पोरा पॉइंट ऑफ व्यू। सो डायस्पोरा जनरली वो लोग होते हैं जो इंडियन मूल के लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं या इंडियन हैं जो बाहर के किसी कंट्री में रह रहे हैं, उनको कहते हैं डायस्पोरा। तो अब जरा देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या हाल फिलहाल में डेवलपमेंट्स हुए हैं। भारत सरकार ने उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग बैक इंडियन नेशनल्स स्ट्रैंडेड अब्रॉड ड्यू टू लॉकडाउन। तो पिछले लगभग 2 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश में और हमारे देश की सरकार ने बहुत ही कड़े नियम बनाए थे, इंडियंस जो बाहर फंस गए थे उस टाइम में उनको इंडिया में एंट्री 2 महीनों के लिए अलाउ नहीं किया। जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है तब से इंडियंस को जो बाहर में थे, विदेशों में थे, उनको इंडिया आने नहीं दिया जा रहा था, फ्लाइट सर्विसेज बिल्कुल भी रोक दी गई थी। तो इस कारण से कई सारे लोग, लाखों की संख्या में इंडियंस हु हैड गॉन आउटसाइड फॉर स्टडीज और फॉर टूरिज्म और फॉर ट्रेड बिजनेस, वो सारे लोग बाहर ही फंस गए थे। और अब
धीरे धीरे जब रिलैक्सेशन दिया जा रहा है इन लॉकडाउन, तो अब भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी लेकर के आई है, एक नया इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे अब फेज वाइज इन सारे लोगों को, इंडियंस को जो बाहर फंसे हुए हैं, उनको फेज वाइज अब इंडिया में लाया जाएगा। और उस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है वंदे भारत मिशन। पहले फेज में 15,000 इंडियंस विल बी ब्रॉट बैक। वैसे तो एप्लीकेशन 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने दे रखा है इंडियन एम्बेसीज में, दुनिया के अलग अलग देशों में, कि वो चाहते हैं कि भारत सरकार उनको वापस इंडिया लेकर के आए। लेकिन पहले फेज जो आज 7 तारीख से स्टार्ट हो रही है, उसमें बस 15,000 इंडियंस को लाया जाएगा, एंड दैट टू विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज़ गिवेन ऑन द क्राइटेरिया ऑफ कंपेलिंग रीजन टू रिटर्न। तो 5 से 6 लाख लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, पहले फेज में 15,000 लोगों को बुला रहे हैं, तो अब क्राइटेरिया देखी जाएगी कि क्या ग्राउंड है उनके रिटर्न का, और कोई कंपेलिंग रीजन होगा तभी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सपायरी ऑफ वीज़ा या मेडिकल इमरजेंसी, इस तरह की कोई कंपेलिंग रीजन्स होंगे तभी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इन ब्रिंगिंग बैक टू द कंट्री। And all Indians brought back will be kept in mandatory institutional quarantine of 14 days. तो इन सबको ही एयरपोर्ट के आसपास इनको मैंडेटरी तरीके से क्वारंटाइन करके रखा जाएगा 14 दिनों के लिए, उसके बाद ही इनको रिलीज किया जाएगा। और ये जो वंदे भारत मिशन है, ये इंडिया का लार्जेस्ट इवैक्यूएशन प्रोग्राम होगा आफ्टर 1990 इवैक्यूएशन फ्रॉम कुवैत। तो आपने एयरलिफ्ट मूवी ज़रूर देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा हाउ इंडियंस वेयर एयर लिफ्टेड और इवैक्यूएटेड फ्रॉम कुवैत आफ्टर फर्स्ट गल्फ वॉर ऑफ 1990। और उस इवैक्यूएशन प्रोग्राम में 1.5 लाख इंडियंस को कुवैत से इवैक्यूएट करा के इंडिया लाया गया था इन अ पीरियड ऑफ 59 डेज़। तो कई सारे फ्लाइट चला गए थे एयर इंडिया के, जिससे इस तरह के कई सारे इंडियन एक्सपैट्स जो कुवैत में रह रहे थे उनको इंडिया वापस से रिपेट्रिएट किया गया था। The next article is taken from again international segment. It is about Pulitzer Prize. So this topic is important only from our prelims exam point of view. Mains में इससे direct सवाल आने के chances नहीं हैं. So जरा news देखते हैं, ये news क्या है. 5 Indians have won Pulitzer Prize of 2020. और वो हैं चानी आनंद, दार यासीन और मुख्तार खान, who work for News Service Association Press, and they have got award for images that are depicting suffering of people in Jammu and Kashmir after revocation of Article 370. पिछले साल 5 अगस्त को Article 370 that provides a special status to Jammu and Kashmir, उसको deoperationalize कर दिया गया था, और उसके बाद से जम्मू कश्मीर के लोगों की suffering को दिखाने की कोशिश की है इनके images ने, जिन्होंने जिन images के basis पे इन्होंने Pulitzer Prize जीता है। उसके अलावा 2 और Indians, अनुश्री फरनवीस एंड अदनान अबीदी, also have got prize for capturing इमेजेस ऑफ हांगकांग प्रोटेस्ट। अब ये जो 3 लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इमेजेस को कैप्चर किया है ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे देश में। लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुलिटजर जूरी ने इन लोगों को प्राइज़ इसलिए दिया है ताकि इंडिया को डीमोरलाइज किया जाए, इंडिया को फील कराया जाए कि इंडिया के अंदर लोगों को हरास किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सब पॉलिटिसाइजेशन चल रहा है, बट उसका हमारे एग्ज़ाम से कोई खास उसको सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होती है इस फील्ड में देन आई विल अपडेट इट अगेन, बट फॉर द टाइम बींग वो जो भी क्रॉस क्लेम्स चल रहे हैं कि इंडिया को नीचा दिखाने के लिए ये प्राइस दिया गया है पुलिटजर प्राइस, इन सबको अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिया जा सकता। एक बार ये इमेजेज आप ब्रीफली देख लो, जिन इमेजेज के बेसिस पे इन 3 लोगों को, जिन ये 3 जम्मू कश्मीर के इमेजेज हैं, और उन 3 लोगों को इन इमेजेज के बेसिस पे ही पुलिटजर प्राइस ऑफ 2020 दिया गया है। सो इन इमेजेज में जनरली जम्मू कश्मीर के लोगों की प्लाइटफुल कंडीशन, सफरिंग को दिखाने की कोशिश की गई है आफ्टर रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। पुलिटजर प्राइस के बारे में हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए, तो उसके बारे में जरा सा ब्रीफली देख लेते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पुलिटजर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस एंड अचीवमेंट इन अमेरिकन जर्नलिज्म, लेटर्स एंड म्यूजिक। तो This award is provided in the name of Joseph Pulitzer, who was a newspaper publisher, and this award is given by
Columbia University in the name of Joseph Pulitzer. And each winner receives a certificate and an award of $15,000. The winner in the public service category is awarded with a gold medal. तो देखो ये बात ध्यान रखना, पब्लिक सर्विस के लिए अलग से अवार्ड दिया जाता है, उसके अलावा जर्नलिज्म, लिटर एंड म्यूजिक के लिए अलग से अवार्ड दिया जाता है. जिन लोगों को पब्लिक सर्विस के लिए अवार्ड मिलता है उनको इस तरह का मेडल भी दिया जाता है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट. इट इज़ अबाउट बॉयज लॉकर रूम कॉन्ट्रोवर्सी एंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइबर क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर 5 एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये न्यूज़ आप सबने भी सुन रखा होगा दैट देयर वॉज अ प्राइवेट इंस्टाग्राम ग्रुप नेम्ड बॉयज लॉकर रूम, जिसको अनअर्थ किया, जिसको फाइंड आउट किया दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने. इस इंस्टाग्राम ग्रुप के अंदर कई सारे ऐसे कन्वर्सेशंस चल रहे थे दैट वेयर क्वाइट वल्गर, इनडिसेंट. और ये सारे कन्वर्सेशंस कुछ इस तरह के भी थे दैट वेयर इंस्टिगेटिंग द आइडिया ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वेमेन. और कई सारे गर्ल्स के, टीनेज गर्ल्स के इमेजेस भी शेयर किए जा रहे थे, उस पर वल्गर इनडिसेंट कमेंट्स भी किए जा रहे थे, बहुत सारे इमेजेस को मॉफ्ट करके भी दिखाया जा रहा था इन दिस इंस्टाग्राम ग्रुप जिसका नाम है बॉयज लॉकर रूम. और ये जो लोग इस ग्रुप के ज़्यादातर जो मेंबर्स थे, मोस्ट ऑफ देम वेयर स्कूल बॉयज ऑफ 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड एंड ऑल ऑफ देम बिलोंग टू पॉस साउथ दिल्ली स्कूल. तो स्कूल का नाम ऑफ कोर्स नहीं बताया गया है ताकि इनकी आइडेंटिटी बना के रखी जाए, सीक्रेट रखी जाए, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि ऑल दिस स्कूल बॉयज बिलोंग टू सम पॉस साउथ दिल्ली स्कूल एंड दे ऑल बिलोंग टू सम एफ्लुएंट रिच फैमिलीज. और अब इन ग्रुप के मेंबर्स को और एडमिन्स को दिल्ली पुलिस ने एक बार के लिए अरेस्ट किया है और उनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. तो अब इस पूरे इवेंट को कैसे हम अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं जरा वो भी समझते हैं. सो बॉयज़ लॉकर रूम कॉन्ट्रोवर्सी, ये डायरेक्ट हमसे एग्जाम में पूछने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, बट इसको हम यूज कर सकते हैं एज फिलर पॉइंट्स, एज एन एग्जाम्पल, एज एन इलस्ट्रेशन इन आवर आंसर राइटिंग. अगर कोई क्वेश्चन हो साइबर क्राइम पे, साइबर क्राइम एंड वुमेन रिलेटेड साइबर क्राइम्स, अगर इस तरह का सवाल हो या सिर्फ साइबर क्राइम पे भी सवाल हो तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल. वी कैन राइट दैट सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन लाइक फोटो मॉर्फिंग, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन. और उसमें फिर लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एज एविडेंट फ्रॉम द रिसेंट बॉयज लॉकर रूम कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ दिल्ली. उसके अलावा एथिक्स इंटीग्रिटी पेपर में भी हम लोग इस लॉकर रूम कॉन्ट्रोवर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं इन आवर आंसर राइटिंग. जरा देखते हैं कैसे. सो कभी अगर सवाल हो इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज पे तो वहाँ इस बॉयज लॉकर रूम कॉन्ट्रोवर्सी को एक एग्जाम्पल की तरह यूज किया जा सकता है. हम लिख सकते हैं दैट ऑल बॉयज बिलोंग टू एजुकेटेड एफ्लुएंट फैमिली, दे स्टडीड इन पॉश स्कूल्स. इसका मतलब यह है कि इनकी सोसाइटी, इनके स्कूल्स, उन सारे जगहों पे कल्चर मोरालिटी की बातें जरूर होती होंगी, इनको जरूर कल्चर या मोरालिटी की बातें जरूर बताई जाती होंगी, बट फिर भी दे वेयर फाउंड इंगेज्ड इन इमोरल इनडिसेंट एक्टिविटीज़. इसके पीछे क्या कारण है? द रीज़न इज़ लैक ऑफ इनकल्केशन ऑफ वैल्यू. तो कभी भी इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़ पे आप सवाल लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़, तो वहाँ पे आप बस ब्रीफली लिख सकते हैं द लैक ऑफ इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़ लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक बॉयज़ लॉकर रूम कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ दिल्ली. इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़ जरा समझते हैं होता क्या है. देखो इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़ मीन्स स्टीलिंग द नॉलेज और वैल्यूज़ इन समवन. देखो एक बात होती है हमें कोई बातें बताना और दूसरी बात होती है कोई अच्छी बात को हमें फील कराना. हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चोरी करना बुरी बात है, लोगों को डिमोरलाइज करना बुरी बात है, लोगों के साथ अच्छा, हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें बताया जाता है बस. हमें वो जब तक फील नहीं कराया जाएगा, जब तक हमें ये सारे आइडियाज़ हमारी पर्सनैलिटी में इंस्टिल नहीं कराए जाएंगे, इनकलकेट नहीं कराए जाएंगे, तब तक हमारी पर्सनैलिटी उस हिसाब से शेप नहीं हो सकती. So there is difference between just letting us know the values and inculcation of values, and until and unless the values are inculcated,
इट कैन नॉट शेप अ गुड पर्सनैलिटी. सो वी नीड टू, यही एक सीधा सीधा टॉपिक है आपके एथिक्स पेपर 5 में. द टॉपिक इज इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज, और वहाँ पे आप इस एग्जांपल को यूज़ करेंगे और आप बताएंगे कि हमें स्कूल में बस मॉरल वैल्यूज, मॉरल लेसन्स नहीं देने हैं, और हमें स्कूल में सिर्फ साइंटिफिक चीज़ें बात पढ़ाई नहीं करनी है, मैथ साइंस आर्ट्स की पढ़ाई नहीं करनी है, हमें वहाँ पे वैल्यूज़ को बताना है और वैल्यूज़ को इनकल्केट कराना है, तभी जा करके हमारे यहाँ पे जो यंग बॉयज़ हैं उनकी पर्सनैलिटी सेप होगी, एंड ओनली देन दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग वुमेन, एंड ओनली देन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन आवर सोसाइटी विल कम डाउन. अदरवाइज द माइंड सेट इज हाईली पैट्रियार्कल, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, हाई क्लास सोसाइटी से लेकर के लोअर क्लास सोसाइटी हो, जो माइंड सेट है वो काफ़ी पैट्रियार्कल है. एंड द माइंड सेट इज लाइक द बॉय सेक्शन इज डेवलप्ड लाइक वुमेन आर मैटर एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन. And that is why they are engaged in objectifying women, as this can be seen in this present example of boys' locker room controversy. And this such events can be avoided only if the values are inculcated in the mind, in the heart and the body of the young teenage boys. सिर्फ अच्छी बातें बताने से नहीं होगा, उसको फील कराना होगा, उसे हमें लिव करना होगा, पूरी सोसाइटी को लिव करना होगा. जो जो टीचर्स हैं, जो ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज, कौन कौन लोग वैल्यूज़ को इनकल्केट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स द एलिमेंट्स फॉर इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़ आर पेरेंट्स, द टीचर्स, इनफैक्ट द पीयर ग्रुप्स, द ओल्डर सिबलिंग्स. हम सारे लोगों को जो भी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, चाहे पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या ओल्डर सिबलिंग्स हों, हम सारे लोगों को खाली अच्छी बातें बतानी नहीं होगी, हमें सारे अच्छे वैल्यूज़ को खुद अपने ऊपर लिव करके दिखाना होगा, हमें खुद उसको अपने कंडक्ट में ला के दिखाना होगा, तभी जा करके वी कैन एक्सपेक्ट दैट सच वैल्यूज कैन गेट इनकल्केटेड इन द यंगर वंस, एंड देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट दैट द पर्सनालिटी ऑफ यंगर वन विल बी शेप्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट विल ग्रूम देयर पर्सनालिटी विथ गुड वैल्यूज एंड दैट विल लीड टू अ बेटर वर्ल्ड. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज़ अबाउट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्कीम. सो देखो, ये जो आर्टिकल है, गवर्नमेंट मलिंग इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, ये कल द असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में आया था, बट मैंने इसको कल इसलिए कवर नहीं किया था बिकॉज जैसा कि आप न्यूज़ खुद ही देख सकते हैं, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, तो मैंने इसको अवॉइड किया था थिंकिंग कि जब ये पॉलिसी आ जाएगी, अभी तो सरकार सोच रही है, जब ये एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी लेकर के आ जाएगी देन आई विल कवर दिस. बट फिर किसी ने क्वेरी रेज की, समवन रेज दिस डाउट कि सर प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, दैट इज़ व्हाई आई एम कवरिंग इट ब्रीफली टुडे. बट जब ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी आ जाएगी भारत सरकार की, तो उसको मैं डिटेल में फिर से डिस्कस करूँगा. यहाँ पर मैं बस सिर्फ आपको बताऊँगा व्हाट इज़ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. इसका सरल सा मतलब है स्ट्रैटेजी दैट एम्फेसाइजेस द रिप्लेसमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स विथ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स. सरल शब्दों में एग्जांपल की मदद से समझते हैं. मान लो हमारा कंट्री है इंडिया है, और यहाँ की कोई एक कंपनी ए है जो बाहर से लैपटॉप इम्पोर्ट करके इंडिया में बेचती है कस्टमर्स को, तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का मतलब यह है कि भारत सरकार उस कंपनी ए को हेल्प करेगी, मोनेटाइज करेगी, टेक्निकली सपोर्ट करेगी कि वो कंपनी खुद ही इंडिया के अंदर ये लैपटॉप बनाए और लोगों को बेचे, ताकि ये जो इम्पोर्ट हम करके लैपटॉप बेच रहे हैं देश में, इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन. सरल शब्दों में इसका मतलब यही है कि जो भी इम्पोर्ट आ रहा है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करें विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रादर दैन इसको इम्पोर्ट करके इंडिया में बेचें, उससे अच्छा हम देश में खुद ही इसको बना करके बेचें. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन विल फोकस ऑन मेकिंग दिस लैपटॉप डोमेस्टिकली रादर दैन इम्पोर्टिंग इट एंड देन सेलिंग इट इन आवर country. In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we'll cover topic number 281 to 285. Topic number 281 is about International Civil Aviation Organization. ICAO is a United Nations specialized agency that was established in 1944, and it laid the foundation for standards and procedures for peaceful global air navigation. It has 193 members including India, and it is headquartered in Montreal, Canada. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 282 is about Punch mission of NASA. Punch mission, that stands for Polarimeter to Unify Corona and Heliosphere, is a NASA's mission for understanding and transition of particles from Sun's outer corona to the solar wind that fills the interplanetary space. Plan is to observe the sun using joint observation from Punch and Indian mission Aditya L1.
Please attempt this topic, attempt this question that is based on this topic. Topic number 283 is Counterterrorism Tabletop Exercise. The National Investigation Agency is hosting the first counterterrorism exercise for the Quad countries, that are India, the US, Japan and Australia. The Counterterrorism Tabletop Exercise is the first such engagement amongst the Quad countries on regional and global issues of common interest and also in the domain of counterterrorism and cooperation. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 284 is about Special Climate Change Fund. The Special Climate Change Fund was established in 2001 to support climate change projects in all developing countries parties to United Nations Framework Convention on Climate Change through four funding windows, that are adaptation, technology transfer, sector-specific projects and assistance with diversification of fuel-dependent economies. The Global Environment Facility has been entrusted to operate this Special Climate Change Fund. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 285 is about Danakali Depression. The Danakali Depression is the northern part of Afar Triangle or the Afar Depression in Ethiopia, a geological depression that has resulted from the divergence of three tectonic plates in the Horn of Africa. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 276 to 280 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 281 to 285 can be attempted by you people, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.